साथी सुरेंद्र लाठर जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मनोहर लाल जी का जुलाना पहुंचने पर स्वागत करें सुरेंद्र लाठर जी। सुरेंद्र लाठर, नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। हरियाणा के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी। हमारे आदरणीय बड़े भाई लोकसभा के प्रत्याशी मोहनलाल बडोली जी, सम्मानित मंच, जुलाना जींद और सपीतो हल्का के सोनीपत लोकसभा के जितने टीम सारथी परिवार के मुखिया आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने आए हैं, वो सब मीडिया के साथी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम नमन चैन सपर्श। सामाजिक सरोकार परिवार टीम सारथी डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, हमारा 5 साल का जो पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल का रिपोर्ट कार्ड था उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की उम्मीदें मेरे से कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे मन में भी आपके लिए कुछ करूं कोई ललक थी और परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद हो गया और आप लोगों को राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो एक राजनीतिक नेता ना होकर राजनीतिक संत है, उनसे प्रेरणा लेके मैं राजनीति में आया हूँ। हर ग्रामीण घर की जो आपकी जरूरत है पढ़ाई दवाई कमाई, ताकि हरियाणा के हर घर तक उसको एसएसपी का जो पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल है उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो पहुंच सके, इसलिए मैं तो आपका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर राजनीति में आया है। बीजेपी पार्टी के बागडोर देश राष्ट्रीय लेवल पर और अपने हरियाणा के लेवल पर दो राजनीतिक संतों के हाथ में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। बाकी सब पार्टियों में जो देश और राज्य और देश की बागडोर है वो या तो परिवारवाद से पनपे नेताओं के हाथों में है या जातिवाद के जहर से पनपे नेताओं के हाथ में है। और बीजेपी पार्टी की विचारधारा आप सब लोगों को राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए, आपका शोषण से बचाने के लिए और आप लोगों के लिए काम करने की जो ललक है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मन में और अपने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मन में उन और आप लोगों की भावना, ताकि आप पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल और ये सब आपकी जरूरत पूरा हो सके, इन सब भावनाओं को कि सामाजिक सरोकार परिवार का जो जातिवाद के खिलाफ परिवारवाद के खिलाफ जो हमारी भावना है आप लोगों की भावना को देखते हुए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी। सामाजिक सरोकार परिवार के सब वॉलेंटियर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के दिखाए रास्ते पर चलकर आप लोगों के लिए कुछ करने की ललक को जिंदा रख के और इतनी मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों को राजनीति का हिस्सा बना पाए, ये आश्वासन मैं आपकी तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दे दूं, हाथ खड़े करके ना है। और देश और समाज आपके लिए प्रथम है, अपना आपका खुद का और परिवार वो आपके लिए बाद में है, तो देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो संदेश वाक है कमल का फूल का निशान लेके आए हैं, जो सभी जाति धर्म सबके लिए समान विकास करने की भावना का प्रतीक है, उसको कितने वोटों से जिता के भेजोगे मेरे लिए बड़े भाई आदरणीय पूछ रहे थे। हम 2 लाख क्या दू या 3 लाख कितने बताओ? 5 लाख तो ये बहुत ही स्वभाव के धनी हैं सज्जन और वो है, आप बताओ राजनीति का हिस्सा बनना है शिकार बनना है? भारी मतों से जिताने के लिए और आप में कान मरोड़न की ताकत जब ही आएगी
जब आप इनके लिए मेहनत भी करोगे, दो और दो को 22 बनाओगे, बनाओगे ना 240 घंटे आज के बाद, एक घंटे में आप हर घंटे में आपने एक परिवार जोड़ना है। सारे वॉलंटियर ऐसे करेंगे तो आप जो कह रहे थे 3 लाख 5 लाख उतरे वोटों की जीत, बहुत जल्दी इनको यहाँ से जिता के भेजेंगे। आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। खट्टर साहब रैली की ओर बढ़ते हुए सभी जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके